अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स दिवस पर खाजूवाला में सीमा सुरक्षा बल के कंपनी कमांडेंट हेमंत कुमार यादव के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा बल के जवानों, पुलिस कर्मियों व प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा रैली निकालकर नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। साथ ही कोरोना के बचाव के लिए जागरूकता का संदेश भी दिया गया। BSF डिप्टी कमांडेंट आकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आज अंतर्राष्ट्रीय ड्रग दिवस पर BSF द्वारा युवाओं को नशे से दूर रहने व नशा मुक्ति को लेकर संदेश दिया गया। इस रैली में पुलिस व सिविल प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल रहे। रैली के माध्यम से नशा मुक्ति के साथ साथ लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। इस मौके पर SDM संदीप काकड़, तहसीलदार विनोद गोदारा, DYSP देवानंद, SHO विक्रम चौहान सहित पुलिस व BSF के जवान मौजूद रहे। दिन है वो 26 जून को इंटरनेशनल ड्रग अब्यूज डे और इलिसिट ट्रैफिकिंग के खिलाफ मनाया जाता है। तो आज के दिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, पुलिस है और सिविल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ मिलकर के हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जो आज की तारीख में हमारा युवा पीढ़ी है विशेष तौर पर वो ड्रग का और नशीली दवाओं के चक्कर में पड़ा हुआ है, जो उनके भले के लिए और देश के भले के लिए भी ठीक नहीं है। तो मैं इस जो आयोजन किया जा रहा है रैली के जरिए हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भारत के युवा हैं वो ड्रग से और नशे से दूर रहें, ताकि वो ये चीज़ें न केवल समाज के लिए, न उनके परिवार के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए हितकारी है। तो इसी संदेश के देने के लिए हमने आज एक छोटी सी रैली निकाली है। धन्यवाद।